गणित का यह सवाल जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे व्यापम, पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है, पांच आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है तो 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका M1D1 = M2D2। जैसे कि M1 आपका 5 हो गया और D1 आपका 18 दिन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका M2 10 हो जाएगा और D2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आपको दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका हम देखते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला हम रखते हैं 5 × 18 = 10 × D2। हमें क्या ज्ञात करना है? D2 ज्ञात करना है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी कि आपका D2 कितना आ जाएगा? 9 दिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कितना दिन? 9 दिन। सेकंड तरीका होगा आपका, 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है, डायरेक्ट 5 को 18 से गुणा कर दो। जो 10 है आपका नीचे लिख दो, ये 2 बार में कटा, 2 से 9 बार में ये कटा, तो कितना दिन में करेगा? D2 = 9 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? यह आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, ए का कार्य कितना है? 20 दिन। बी का कार्य 30 दिन। तो इसके लिए फार्मूला होता है, दोनों के लिए दो तरीका होता है। ये एक तरीका है 1/A + 1/B, ये वाला पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका होता है A × B / A + B, यानी कि नया नया ट्रिक बताऊंगा, यह ऐसी चुटकियों में एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला ट्रिक से हम देखते हैं, ए कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो 1/20। उसी प्रकार बी कार्य कितने दिन में करता है? 30 दिन में, 1/30। इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ, ठीक है। तो इनका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और ठीक है, ये आपका इधर हो जाएगा 20 दिया 60, और ये आपका 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/60 हो जाएगा, यानी कि 12 बार में जाएगा। 12 × 5 = 60, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, दूसरा तरीका होता है आपका 20 और 30 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 20 और 30 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो आपका 50 हो जाएगा। 1 0 और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 से 100 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 4 × 3 = 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? कैसा लगा ट्रिक कमेंट करके बताइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक कार्य को 25 दिन में करता है, बी उसी को 50 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? दो तरीका आपको मैं बता दिया हूँ, तो चलिए सरल तरीका में से सॉल्व करते हैं। 25 और 50 को क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे और दोनों मिलकर पूछा गया है दोनों को जोड़ देंगे, 25 + 50, ठीक है। 25 और 50 का गुणा करते हैं तो आपका 25 और 50 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 25 × 75, और यह आपका आंसर आ जाएगा 50/3। यहाँ तक क्लियर हुआ? सरल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, ए एक टंकी को 10 दिन में भरता है, उसी प्रकार बी उस टंकी को 20 दिन में खाली करता है। अब देखिए, भरने वाला सवाल और खाली करने वाला सवाल, कुल कितने दिनों में खाली करेगा? इसके लिए फार्मूला होता है A × B / A - B। क्या करते हैं? जब दोनों मिलकर भरते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? इनको जोड़ देते हैं, है ना। अब यहाँ पर खाली करने वाला सवाल है तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए, 10 और ये 20, 10 और 20 को हमेशा क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। याद रखना, ये जो दोनों प्लस रहे या माइनस रहे, क्या पूछा गया? दोनों अगर मिलकर पूछा जाए तो हम प्लस करेंगे, और यहाँ पर खाली करने वाला सवाल रहेगा तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे नीचे का। तो
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 20 बटा 10 − 20। अब 10 में 20 घटाएंगे कितना आएगा आपका 10। तो 10 × 20 = 10, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20। यानी कि कितने दिन में खाली करेगा, 20 दिन में खाली करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए और बी 15 दिन में कार्य करता है, ए और बी यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन में, उसी कर बी इसको 20 दिन में, तो ए कितना दिन में खाली करेगा। तो सबसे आसान तरीका है 20 × 15 क्या कर रहा है, ए कितने दिन में खाली करेगा पूछा गया है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 20 और 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 15 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो देखिए 20 × 15 5 घटेगा तो 5 लिख लिए, 5 × 15 = 60 यानी कि ए 60 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है 1 / a − 1 / b। ठीक है, तो फार्मूला मान रख देते हैं, तो ए का मान कितने हैं 15 और बी का मान 20, तो 15 × 1/20 इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60, और ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि आपका 60 ही दिन होगा, यानी कि ए आपका कितना दिन में करेगा, 60 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ए बी सी 10 दिन में कार्य करता है, ए बी 20 दिन में कार्य करता है, ए 30 दिन में कार्य करता है, तो ये जो तीनों हैं मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे मीडियम वाले क्लास जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये तो रहा आपका सरल वाला सवाल। ठीक है, और डेली अगर आप लोग, एक और तरीका है देखिए, डेली अगर आप लोग एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो होली के बाद यानी कि ये आपका 12 मार्च से स्टार्ट होगा न्यू बैच हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, और एसआई भर्ती की क्लास चल रही है मेंस की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा अदर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।